गाइस वेलकम टू पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। आज हमने कहा आदाब। गाइस हम खेल रहे होते सोलो वर्सेस डुओ और हमारे पीछे वाली बिल्डिंग में आपने तो देखा ही होगा कि दो बंदे आके टपक पड़े। हम तुरंत जो है इधर लूटा लाटी चालू कर देते हैं और वैसे जो है आजकल हमारा फोन जो है हमसे बहुत गुस्साया हुआ है। हा? जो है बहुत गर्म हो जाता है, बात बात पे गर्म होने लग रहा है क्योंकि भाई साहब इनको 18-18 घंटे आजकल काम करवा रहे हैं। भाई साहब गर्म हो जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, गर्म मत हो, देखते हैं कोई नया फोन ले लेंगे। तो गाइज हम जो है इधर आते हैं, लूटना लाटी चालू कर देते हैं। तब तक भाई साहब जो है हमने सामने वाली बिल्डिंग में एक बॉट देखते हैं। हमने कहा अभी तुमको मारेंगे नहीं, हम तुम्हारा पूरा जो है यूज करेंगे। अभी देखना कैसे यूज करेंगे। अब भाई साहब वो बंदे हमारे ऊपर जैसी रस करते, ये है सिद्धू मूसे वाला। अभी जैसी रस करते हमने कहा कहाँ भाग रहे हो भाई, पीछे तो देखो ये भाई साहब जो है मैराथन दौड़ने लगते हैं। हमने कहा खाली भागने आए हो क्या मैच में, कब मारोगे। अभी जैसी मारते तुरंत हम सिद्धू मूसे वाले को जो है तुरंत डाउन कर देते। अब इनके दोस्त जो है कार 98 से हमको जो है एक शॉट लगाते हैं, हम तुरंत जो है बच जाते हैं क्योंकि आज हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया रहता है तो जो है भगवान रक्षा कर लेते हैं। भाई साहब ये सोचते कि बॉट जो है हमारा टीममेट है तो ये बॉट को मारने लगते हैं। हम तुरंत इनको कंटाप लगा के जमीन पे धराशाई कर देते हैं। हमने कहा बॉट भैया केडी बढ़ाए वाले देवता आपकी जय। गाइस हम कल कमेंट पढ़ लेते तो उसमें जो है एक लड़का लिखा फर्स्ट, हमने कहा ठीक है, एक लड़का लिखे सेकंड, हमने कहा ये भी ठीक है, फिर लिखे थर्ड फोर्थ, ऐसे सब आ रहे थे कमेंट। हमने कहा अच्छा भैया बहुत अच्छे। तब तक एक लड़के का एक घंटे बाद कमेंट आया फर्स्ट। हमने कहा ये कौन है भैया, इसके तो दिमाग गोबर ओवर भरा है का। गाइस हम गाड़ी लेके टहल रहे होते तब तक हमको थाइडेल से खड़बुड़ खड़बुड़ की आवाज़ आ रही होती है। हमने कहा यार कुछ खड़बुड़ खड़बुड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हम तुरंत आते हैं चेक करने और तुरंत जो है गाड़ी से उतरते बड़ी स्टाइल में, देखते तो भाई साहब दो दो बंदे। हमने कहा यार सही नहीं लग रहा मामला, अंतर आत्मा से आवाज़ आती है निकल लो यहाँ से। अब जो है हम भाग के तो वापस जाएंगे नहीं क्योंकि जो है हमारी भागना जो है परंपरा प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के खिलाफ है। तो हम तुरंत इस घर के पीछे आते और यहाँ गाड़ी जो है पार्क कर देते हैं। अब यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद जो है हम पूरी सिचुएशन देखते हैं, हर सिचुएशन को भापते कि हो क्या रहा है, मामला चल क्या रहा है। ये लोग भाई किसी को मार रहे होते, बाहर एक बॉट खड़ा रहता है। हमने कहा मारो भैया, ये उसको मार रहे होते हैं, हम इनको मार रहे होते हैं। हमने कहा हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो, हम भी गेम में हैं। और जैसी जो है ये लोग जो है मुंडी दिखाते हैं, हम तुरंत जो है कुछ ना कुछ इन लोग प्रसाद दे रहे होते हैं। तक भैया एक आदमी को जो है मिर्गी आ जाती है, वो दीवाले तोड़ने लगते हैं कि हमसे। हमने कहा दीवाल नहीं टूटेगी भैया, ये गेम की दीवाल है, कोई आछली दीवाल थोड़ी ना है। और हम जानते थे कि जैसी अलग होंगे तभी कुछ मामला फिट हो सकता है, जैसी अलग होते हैं अब देखो। भाई इतना अच्छा क्लच किया है यार, लाइक तो बनता ही मेरे भाई, लाइक करो यार। क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, हैं भूल जाते हो क्या? हाँ? पाप लगेगा तुम लोग को। लोग को तुरंत मार के जो है हम डांस करना शुरू कर देते। पिल्लों को मार के हम टहल ले होते हैं तब तक केडी बढ़ाए वाले देवता आ जाते हैं। हम तुरंत जो है कहते केडी बढ़ावा देता पावल आओगे यार, दो चार बार आया करो, क्या करते हो, दो ही तीन बार आ रहे हो आजकल, बहुत क्या गुस्सा है उत्साह का। तब तक भाई साहब ये सामने से दौड़े चले आए रहते हैं, हम कुचलने कोशिश करते हैं लेकिन फोन जो है हमारा आजकल बहुत गर्म रह रहा है जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब हम सोचते कि इनके ऊपर रस करें पर जो है रेड जोन गिर जाता है। हमारी अंतरात्मा अंदर से कहती है कि यार निकल लो यहाँ से। तब तक यहाँ आके देखते तो एक भाई साहब जो है दौड़े पड़े। हमने कहाँ जा रहे हो भाई, पीछे तो देख लो, ये भाई साहब पता नहीं कहाँ एकदम टट्टी करना था इनको, बहुत जल्दबाजी में थे। हमने कहा रुको बेटा एंगल लेके मारेंगे, एंगल कहाँ, एंगल ढूंढते हैं और तुरंत इनको खलास कर देते हैं। भाई साहब नाम देख लो, इनका नाम है केबी हैकर और काम है चिंटू कैंडी वाले। हमने कहा तुम्हारा लौंडा कहाँ है, लौंडे को बुलाओ, लौंडा जो है इनका गायब रहता है। हमने कहा गाड़ी निकालो भैया चलो जोन में क्योंकि हमको करना है चिकन डिनर, और चिकन डिनर तभी करेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। अब यहाँ आते तो भाई साहब जो है हर घर में एक एक लौंडा घुसा रहता है, सब प्रॉपर्टी अपने नाम पहले से करके रखते हैं। हम इस घर में आते, इस घर में कोई नहीं रहता तो हम कब्जा कर लेते हैं। अब भाई साहब देखते हैं तो ये बंदे अलग टीम के और बीच में अली बिल्डिंग में अलग टीम के बंदे खड़े रहते हैं। हम यहाँ से जो है एंगल बना के इन लोग को दो चार गोली मार रहे होते हैं। Nope. 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 Nope.
भाई साहब ये दोनों लप्पू झप्पू पूरे घर में धुआं फैला के जो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर रहे होते हैं। हमने कहा चालान काटना पड़ेगा इनका 10,000 का। जैसे ऊपर आते हैं हम तुरंत चालान काट देते हैं। हमने कहा ये कौन सा नाम है तबाह ताबा, ये कौन सी डिक्शनरी से नाम ढूंढ के लोग लगाते हैं। अब भाई साहब दोनों लोग जो है गुली गुली कर लेते हैं और फिर से जिंदा हो जाते हैं। हमने कहा बेटा फिर घूम रहे लो, दूसरा चालान काटो इस बार 30,000 का। इनके दोस्त जो है चालान कट्टा देख तुरंत पतली गली से निकल लेते हैं। पुलिस के डर रहता है इनका। अब ये भाई साहब जो है जैसे कुत्ते हम तुरंत गोली बसाने लगते हैं पर बच जाते हैं क्योंकि इन्होंने पहना रहता है रूपा। अब भाई साहब हमने कहा तबाह ताबा तुम पहुंचो डायरेक्ट कौनकरा लॉबी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं ना तुम्हारे दोस्त को जरूरत है। अब हमने यूट्यूब पे देखा था कि जैसी अगर बंदा को हमने डैमेज दिया है तो उसके ऊपर तुरंत रस कर दो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। तो हमने कहा ठीक है चलो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं, हम तुरंत इनके ऊपर रस करने लगते हैं। लेकिन अगल बगल से इतने पैरों की आवाज, AWM की आवाज आती है, हमारी अंतरात्मा जो है यार ऊपर से जवाब नहीं दे रही होती, कह रही होती यहाँ से निकल लो तो ज्यादा सही रहेगा। अब भाई साहब दो चार बंदे जो है हमारे ऊपर क्लोजिंग करने लगते हैं। हमने कहा तुरंत भाग लो भैया, कार्टून रिंग निकल लो वरना इतने कंटाप लगेंगे तुम्हारे सर पे कि तुम जो है पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन कौन मारा है। अगर सिचुएशन बहुत इंटेंस है तो हम आपका जो है मन हल्का कर देते। एक बंदा जो है कमेंट किया था कि भाई साहब आखिरी का बंदा बचा है दो चार मैच पहले है ना, तो आखिरी का बंदा बचा है उन भाई साहब के पास जो है 400 गोली है। तो हम उन भाई साहब से ये कहना चाहते हैं कि जब क्या आखिरी का बंदा एक बचा रहते हैं तो आप जो गोली रहते हो सब गिरा देते हो तो आपको जो है कुछ ऑफर मिलता है पबजी की तरफ से या कुछ पैसा वैसा वापस मिलता है क्या? अरे जब फ्री में मिल रहा है तो ले लो, हैं उसमें गिराओ और छोड़ते ही रह जाओगे क्या जिंदगी भर? यही काम है गेम है भैया, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? अब भाई साहब वो खिड़की से झांक के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि इसने बज के इतने पौने मिनट पे हम जो है बाहर निकलेंगे तो चिकन डिनर हो जाएगा। अब भाई साहब का चिकन डिनर होता नहीं है और जोन से पहले मर जाते हैं। हमने कहा सब दिमाग से गोबर ओबर है काबे लोग है, जोन में आना है पहले कि मुहूर्त का ही निकलवाओगे। अब भाई साहब ऊपर जाके देखते तो एक बंदा बैठा रहता है, वो आखिरी बंदे को जो है मार देता है। हमने कहा इनका गेम बजाना पड़ेगा, हम तुरंत पहुंच जाते हैं और ऐसा गुम्मा मारते तुरंत कट्टा से कॉन्करर लॉबी एंड चिकन डिनर इट लीड्स टू। गाइस हम यहाँ उतरते स्टेडियम पे और यहाँ पे जो है उतरे रहते हैं हीरो और रांझा, मतलब वो जो होते नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मतलब एक साथ एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना पसंद ही नहीं करते, मतलब एक साथ कोचिंग भी जाएंगे, एक साथ स्कूल में भी जाएंगे, एक साथ एक ही बेंच पे बैठेंगे भी। हमने कहा यार इन लोग को अलग करना पड़ेगा, क्या करें तब तक भाई साहब दोनों सामने से प्रकट हो जाते हैं। गाइज हमने यूट्यूब पे देखा था कि अगर दो लोग को मारना है तो उन लोग को पहले अलग करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया हम जो है सुर दे खिड़की उड़की पकड़ के इधर से उधर निकल लेते, कभी वहाँ से यहाँ कूदते कभी यहाँ से वहाँ कूदते। ये दोनों भाई साहब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो चक्कर खा के अलग हो जाते हैं और ये लंगटे वाला दौड़ रहा होता ढूंढ रहा होता, हमको इसी से डर लग रहा होता। जैसे ही झाँकते तो ये देखो यहाँ उछल रहे पता नहीं क्या कर रहे थे, हम तुरंत बजा देते। हमने कहा अबे एक जगह खड़े रहो यार, चक्कर क्यों दिला रहे हो साला, हमें चक्कर आने लगता है हम ऊपर आ जाते हैं। भाई जो वो लंगटे आदमी होता है वो हेल्थ किट लगा रहा होता है, हमको तुरंत आवाज आ जाती है, तुरंत जाके ऐसा कंटाप लगाते हैं तुरंत वहीं टट्टी कर देते हैं। क्या कार्टून फ्रीक नाम है हमारा, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसेड़ देते हैं। गाइस जो है इस सिचुएशन ऐसी चल रही है तो आपका जो है मन हल्का कर देते हैं। तो आज आजकल आपने देखा होगा कि एक VPN पे ऐड आता है, उस पर एक लड़की आके कहती है हेलो आप क्या जो है खाली है, आप हमसे बात करना चाहते हैं? तो हमने कहा यार खाली तो है ही है, पबजी कौन खेलेगा, लव बात ही कर ले। तो हमने कहा करना चाहते हैं तो कहीं की ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद कह रही है कि ये 400 रुपये का मेंबरशिप ये लेना पड़ेगा तो वो लेना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा कि पहले क्यों नहीं पता है इसकी, सब डाउनलोड करवा लिए टाइम वेस्ट करवा लिया, उसके बाद कह रही है ये डाउनलोड करो उसका पैसा दो इसका पैसा दो, बहुत चला तो। गाइस हम गाड़ी लेके जैसे ही जाने लगते तब तक इधर से हमें आवाज आती है। हमने कहा ई का यार जोन के बाहर कौन है, तो देखते हैं भैया कुछ लप्पू झन्ना लोग अभी तक यही लड़ाई कर रहे हैं। हमने कहा साला पूरा जोन आ चुका है, तुम लोग का लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई, किस बात की लड़ाई है भैया है? तो हम जो है गाड़ी लेके टहलने लगते हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है क्योंकि वहां रुकोगे तो पास में ये लोग जो है मार देंगे, थोड़ा दूर से फाइट लो। हम तुरंत गाड़ी निकाल के और थोड़ी अच्छी जगह ढूंढने लगते कि कहां से फाइट लिया जाए। अब जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे होते तब तक एक जो है केडी बढ़ाए वाला देवता मिल जाते हैं, हम सोचते गाड़ी चढ़ा दे तुरंत निकल लेते हैं, फिर ये जो है ये लोग जोन की तरफ भागते हैं। हमने कहा इस बार जो है गाड़ी चढ़ा देंगे उनके ऊपर, कैसे गाड़ी चढ़ाते हैं साला कुछ होता ही नहीं है। हमने कहा कौन सा कवच पहने, कौन सा कोरोना वैक्सीन लगाए ये लोग जो मर नहीं रहे। हमने कहा
मेरे को इस बार फिर चढ़ा देंगे गाड़ी, इस बार तो पक्का। अब भाई साहब ये मंकी कॉन्ग की तरह ऐसा जंप लगाते हैं, तुरंत ऊपर उछल के कहीं और निकल जाते हैं। हमने कहा ई काबे, अब दोनों लोग को मिर्गी आ जाती है, ये हमारी गाड़ी फोड़ने लगते हैं। हमने कहा निकल लो भैया। भाई हमने YouTube पे देखा था कि बंदों को मारना है तो थोड़ा एंगल लेके मारोगे तो वो लोग मर जाएंगे। हम जैसे ही आते हैं यहाँ तो एक भाई साहब जो है दौड़ रहे होते हैं, हमने तुरंत इनको ऐसा कंटाप लगाते हैं, तुरंत वही टट्टी कर देते हैं। हमने कहा एजम भैया कैसा लगा, अब तुरंत हम बग्गी लेके और जो इनके दूसरे बंदे होते हैं उनके ऊपर रस कर देते हैं, क्योंकि हमको पता था कहीं ये लोग गुली गुली कर लिए तो यार फिर से मारना मुश्किल हो जाएगा। भाई ये लोग पता नहीं कौन सा काढ़ा पी के बैठे थे, हम गाड़ी चढ़ा रहे, चढ़ाने की आवाज़ भी आ रही पिचिक से, लेकिन लोग मर नहीं रहे थे भाई साहब। तब तक सन्नाटे से ऐसा गाड़ी चढ़ाते हैं सन्नाटे में चले जाते कि क्या हो गया हमारे साथ। अगर भाई साहब हमारा बस चलता तो जो हम पबजी में सारे बंदों को गाड़ी से कुचल देते, अब यहाँ आते तो इनकी पेटी उठाते तो देखते हैं भाई साहब कार 98 लेके बैठे थे, क्या क्या सपने सजोएंगे कि दूर से लोगों को कंटाप लगाएंगे। अब भाई साहब जैसे हम बग्गी लेके निकलते तो यहाँ रेड जोन आया रहता, हम एकदम धूम मचाले स्टाइल में गाड़ी घुमा रहे थे। अब इस घर के पास आते हैं तो यहाँ भाई साहब जो है एक बंदे रहते हैं, हम सोचते जाएं इनको कंटाप लगा दे डायरेक्ट, अकेले तो हैं क्या कर लेंगे। लेकिन भाई साहब पता नहीं अंतरात्मा से हमारे आवाज़ आती, निकल लो यार सब। हमने कहा आजकल अंतरात्मा से बहुत आवाज़ आ रही है, क्या हो क्या गया, ज़्यादा काढ़ा पीने का असर पड़ गया क्या। भाई साहब ये अपनी M4 में पता नहीं कौन सा तेल लगा के बैठे थे, साला इतना डैमेज दे दिया। हमने कहा कौन सा तेल यूज़ कर रहे हो यार तुम लोग, हमको तो तेल अभी तक मिला नहीं, अपडेट के बाद तो और लुल्लू हो गई हमारी M4। अब भाई साहब इधर आके देखते हैं तो इधर जो है दो लप्पू झन्ना लोग जो है एक कार वाले को मार रहे होते हैं और कार वाले इनको कुचल देते हैं। हमने कहा रुको हम भी मारते हैं। अब भाई साहब जो है ये लोग लेट जाते हैं, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमने कहा यार ये पबजी लाइट वाले घास कब छोटी करवाएंगे मेरे भाई, कुछ दिखता नहीं, घास उस कटवाओ, इतना पैसा ले रहे हो खर्चा करवा रहे हो तो घास उस पे भी आदमी दो चार रखना चाहिए घास उस कटवाने के लिए। अब ये लोग तो खत्म हो जाते हैं लेकिन ये कार वाले लप्पू झन्ना घूम रहे होते हैं, पीछे से कोई AWM चला रहा होता है। हमने कहा यार यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आती है निकल लो भैया, तो हम जो है तुरंत बग्घी उठा के निकल लेते हैं। भाई हम अपनी बग्गी से जो है टहल रहे होते हैं और फरारी काट रहे होते हैं, तब तक एक पहाड़ पे एक आदमी दिखते हैं, ये वही आदमी थे जो M416 में अपनी जो है सरसों का तेल लगाए थे। हम जाते हैं इनसे पूछने कंपनी का नाम, तब तक एक गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। हमने कहा ये कौन सा नाम रखे हो बे 93470, ये तो नाम पढ़ते पढ़ते ही आदमी जो है बुलाते बुलाते तुमको जो है निकल लेगा ऊपर। अब भाई साहब आप देख रहे हैं इतनी इंटेंस सिचुएशन चल रही है लेकिन हम लूटे पड़े हैं। हमने कहा कहाँ है अपना लौंडा, लौंडे को बुलाओ, इनका लौंडे जो है सांप बन के कहीं छुपे हुए थे। हमने कहा कहाँ है भाई, हम एकदम पूरा छान मारते हैं भाई साहब ये दिख ही नहीं रहे। हमने कहा यार अब तो जोन भी जा रहा है, जोन में जाना पड़ेगा, और सही में यार दिख ही नहीं रहा था। ये पहने होते पतंजलि का वो जो नया आउटफिट है ना नीम वाला, वो आउटफिट पहन के कहाँ लेटे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गोली चलाए पड़े हमें डैमेज दे दे रहे, हम मंकी कॉन्ग की तरह उछलने लगते हैं, तब देखिए भाई साहब जो जाग जाते नींद से। कार्टून फ्रीक नाम है हमारा, है ऊपर से कौवा जाता है तो यहीं से देख के बता देते हैं कि वो डायपर पहना है कि नहीं।